नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं लाइव टीवी समाचार। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों। खबर वाराणसी से। आगामी सोमवार को आने वाले कांवड़ यात्रियों और भक्तों के हुजूम के लिए तैयारी पूरी। श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था और सकुशल दर्शन को लेकर वाराणसी ग्रामीण पुलिस अलर्ट। पुलिस अधीक्षक सूर्यकांत त्रिपाठी ने बताया कि प्रयागराज से वाराणसी के बीच NH2 का एक लेन गाड़ियों के लिए बंद कर दिया गया है। प्रयागराज से काशी आने वाले कांवड़ियों के लिए रिजर्व रहेगा हाईवे का एक लेन। काशी आने वाले कांवड़ियों के रास्ते में सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। मंदिर में सुगम दर्शन के लिए तमाम व्यवस्थाएं की गई है। मंदिर के पास होने वाले मेले में बिजली, पानी की व्यवस्था और मेडिकल की सुविधा की गई है। मंदिर आने वाले रास्ते में ये तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं ताकि किसी प्रकार की कोई दुर्घटना से तुरंत निपटा जा सके। वाराणसी से नेहा पाठक की रिपोर्ट। अभी जो सोमवार आने वाला है, हाईवे का एक लेन भी बंद कर दिया गया है कांवड़ियों के लिए। कांवड़ियों का हुजूम सोमवार को उमड़ेगा, तो आपकी तरफ से क्या क्या व्यवस्थाएं की? कांवड़िए हमारे 5 रूटों पर आते हैं, लेकिन मुख्य रूट प्रयागराज रोड है। उसमें हम लोगों ने जो उत्तर की लेन है उसको आज दोपहर से लगभग बंद कर दी है। ये सोमवार तक बंद रहेगी। इसके अलावा हमने 112 की गाड़ियां वहाँ लगा रखी हैं, थाने की मोबाइल लगा रखी हैं, मोटरसाइकिल मोबाइल लगा रखी हैं, और शनिवार से लेकर के हम हर कट्स पर और जहाँ भी क्रॉसिंग है उन पर सपर ड्यूटी लगा रखे हैं। इसके अलावा भी जगह जगह जहाँ उनके रुकने की व्यवस्था है वहाँ पुलिस की व्यवस्था की गई है ताकि कहीं कोई बात ना होने पावे। अगली बात है, जहाँ मंदिर हैं विशेष करके जो कैथी में महादेव मंदिर है उसमें काफ़ी व्यवस्था की गई है। हर तरह से पब्लिक को किस तरह से आसानी से वहाँ पर दर्शन हो सके, जो वहाँ मेला होता है मेले की पूरी व्यवस्था की गई है। बिजली की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, मेडिकल की सुविधा रास्ते में ठीक किया गया है। वहाँ भी जो लोग बाहर से रास्ते में आते हैं वहाँ भी उसी तरह से रास्ते में व्यवस्था की गई है ताकि कोई एक्सीडेंट ना हो या अगर कोई दुर्घटना हो जाती है तो तुरंत उनको अटेंड किया जा सके, यही व्यवस्था की गई है। इतना ही, बाकी खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी। अगर आप रहना चाहते हैं हर वक्त अपडेटेड, देखते रहिए लाइव टीवी समाचार।